उद्धार नमः। बुधवार व्रत कथा विधि और बुधवार भगवान की कथा इस प्रकार से है आरती सहित। बुधवार ग्रह की शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाली स्त्री और पुरुष को बुधवार का व्रत करना चाहिए। सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद चंदन के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन जो है एक बार भोजन करना चाहिए और जिस प्रकार का भोजन किया जाता है वही प्रकार की वस्तुएं दान दिया जाता है। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ कर होता है, अर्थात श्रेष्ठ होता है, क्योंकि बुध देवता का जो है धनुष बाण का निशान है और हरे रंग का ही है। हरी वस्तुओं से उन्हें अधिक प्रेम है। व्यापारी प्रतिष्ठानों वाले व्यापारी अर्थात दुकान खोलने वाले या धन सृजन करने वाले लोग जो है बुधवार के दिन अगर दुकान या कोई अच्छा कार्य करते हैं वह श्रेयस्कर होता है। इसी प्रकार से जो है बुधवार की कथा सुनना चाहिए, भगवान बुद्ध का प्रसाद लेना चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए, भगवान का जयकार बोलना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करा करके उस अपनी ससुराल गया था और कुछ दिनों के बाद वहाँ रहने के बाद अपने सासुर और ससुर से जो है अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए कहा, किंतु उसके सास ससुर और सगे संबंधियों ने कहा आज बुधवार का दिन है, आज के दिन जो है कोई यात्रा नहीं करता है, रिक्त होता है, खाली दिन होता है। लेकिन वह उसका दामाद जो है हठी धर्मी और जिद्दी था, बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करा करके जो है अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में जो है भगवान बुद्ध नाराज हो गए, उसको दंड देने के लिए जो है उसकी पत्नी को बहुत तेजी के साथ प्यास लगवा दिए। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ है। वह व्यक्ति लोटा लेकर के गाड़ी से उतर करके जल लेने चला गया। जब वह जो है जल लेकर के लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया हुआ देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उसी के समान उसी के वेशभूषा वाला जो है दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैठा हुआ था। उसने क्रोध में आकर के दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट आकर के बैठ गया है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी इसे अपने ससुराल से विदा करा कर ले आ रहा हूँ। ये दोनों जो है परस्पर आपस में लड़ने और झगड़ने लगे। तभी राजा के सिपाही जो है आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा दूसरी स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? उसकी पत्नी जो है शांत रही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे, किसे अपना पति कहे किसे अपना पति ना कहे। और यह जो है व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि जो झूठा है वह सच्चा हो गया, जो सच्चा है वह झूठा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, करे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुमने जो है गमन किया था, यात्रा के निकला है, तुमने अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं रखा, किसी की बात नहीं माना, इस कारण तुम्हें यह दंड मिला है। यह सब लीला जो है बुद्धदेव भगवान बुद्ध की है। ओम ओम बुद्धाय नमः। इस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए जो है क्षमा याचना किया। तब जाकर के भगवान बुद्धदेव जो है मनुष्य का रूप धारण करके फिर जो है अपने असली रूप में आकर के अंतर ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री तथा को लेकर के घर आया। इसके बाद जो है पति पत्नी मधुर हर बुधवार को का व्रत करने लगे, नियम पूर्वक भगवान की पूजा करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, सुनाता है, श्रवण करता है, कराता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा का दोष नहीं लगता है और सब प्रकार की सब सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध की आरती। आरती युगल किशोर की जय, तन मन न्योछावर की जय, गौर श्याम मुख निरखत ली जय, हरि का स्वरूप नयन भर पी जय, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहिन रखिवो रे मन रोभा, ओरे नील पील पट धारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी, फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला, और मोर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर गला दे क्यों सोहे, कंचन थार कपूर की बारी, हरियाए निर्मल वही छाती, श्री पुरुषोत्तम गिरिधर धारी, आरती करे सकल ब्रज नारी, नंद नंदन ब्रज भानु किशोरी, परमानंद स्वामी विचल की आरती युगल किशोर की जय, सब सुख सुविधा बैठ गली जय, जय जय श्री बुद्ध देव भगवान, करो मनोरथ पूर्ण कामा, श्री बुद्ध देव भगवान की जय।